नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप डीडी फ्री डिस्क को बुकते तो काफी अच्छी खबर निकल के आ रही है डीडी फ्री डिस्क को बुकता के लिए कि डीडी फ्री डिस्क प्लेटफॉर्म पे काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि हमारे पुराने चैनल थे जो कि हमारे डीडी फ्री डिस्क प्लेटफॉर्म पे लौट कर आने वाले, और ऐसे कुछ चैनल के आने की खबर सुनते ही उन चैनल के लिए काफी ज्यादा टीआरपी डीडी फ्री डिस्क पर पहले से ही बढ़ चुकी है, यानी कि उत्सुक हो चुके हैं डीडी फ्री डिश के सारे उपभोक्ता उन चैनल को दोबारा से डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे हमारे काफी सारे पुराने चैनल हमें देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे काफी सारे चैनल हमारे हटा दिए गए थे ट्राई के नए नियम आने के बाद में, और उन सारे के सारे चैनल को हमारे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म से हटाए हुए पूरे के पूरे एक साल होने को जा रहा है। लेकिन अब बहुत ही अच्छी खबर है सभी उपभोक्ता के लिए कि डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे जो हमारा 44 ऑक्शन हमारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उस ऑक्शन के अंदर काफी सारे एंटरटेनमेंट भरे चैनल जो कि हमारे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म से हटा दिए गए थे, वो काफी सारे चैनल दोबारा से डीडी फ्री डिश का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने वाले हैं। और उनमें से दो चैनल ऐसे हैं जिनकी खबर सुनने के बाद में उनकी टीआरपी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता उनको डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए बहुत ही बेताब है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सोनी पल हमारा डीडी फ्री डिश का प्लेटफॉर्म हमारा ज्वाइन करने वाला है। और दूसरे चैनल की अगर हम बात करें तो रिश्ते सिने प्लक्स, ये भी हमारा चैनल डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे 44 ऑक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है, यानी कि ये दोनों के दोनों चैनल हमारे को डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे हमें 44 ऑक्शंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पार्टिसिपेट करना एक अलग बात है और हमारा ऑक्शंस को जीतना एक अलग बात है, यानी कि पार्टिसिपेट हमारे काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म से हटा दिए गए थे, वो हमारे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि जी अनमोल सिनेमा, रिश्ते सिनेप्लेक्स, हमारा स्टार उत्सव और काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं, धारावाहिक चैनल्स हैं और कुछ हमारे भोजपुरी चैनल भी हमारे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे 44 ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं तो यह बोलूंगा कि भोजपुरी चैनल की जगह अगर हमारा कोई एंटरटेनमेंट भरा चैनल हमारे को 44 ऑक्शन के अंदर देखने को मिले तो वो काफी बेहतर होगा सभी के लिए। और भोजपुरी चैनल ऑलरेडी हमारे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे काफी सारे अवेलेबल है, अगर उनकी जगह कोई एंटरटेनमेंट भरा धारावाहिक चैनल या फिर कोई मूवी चैनल हमारा ऐड कर दिया जाए। दोस्तों यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। आप कौन सा चैनल देखना चाहोगे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे 44 ऑक्शन के अंदर, वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिख दीजिएगा ताकि सभी को पता लग सके कि डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे उपभोक्ता क्या देखना चाहते हैं और कौन सा चैनल डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया जाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।